आज की हमारी रेसिपी है एग करी, और इसमें हम बिना अंडे उबाले एग करी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एग करी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब इसमें डालना है सरसों का तेल, फिर डाल दीजिए इसमें एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। अब डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा, जीरा को अच्छी तरह से चटकने देना है। फिर डालना है इसमें तीन बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन करना है। फिर डालना है इसमें लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर डालना है एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर। अब डालना है इसमें काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। अब डाल दो टमाटर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे ढककर पकने दीजिए, जब तक कि ये मसाले पकना जाए और सॉफ्ट टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक एक तवा गरम करके इस पर डालना है सरसों का तेल, और एक अंडा तोड़कर ले लीजिए। फिर इसको मैं डाल रही हूँ तवे पर, और इसको जैसा ऑमलेट बनाते हो हाफ बॉयल बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। थोड़ा सा इस पर नमक भी छिड़क दीजिए, और अब इसे पलट लीजिए। तरह से इसे थोड़ा सा पलट लेना है, थोड़ा सा पका लेना है। देखिए पक गया है। इसी तरह हम बाकी के भी एक अंडे ऑमलेट बना लेंगे। अब मसाला भी तब तक हमारा तैयार हो गया है। अब मसाले में तेल ऊपर आ गया है। अब देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें ऐड करना है हमें पानी, पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा एक गिलास के आसपास पानी डालना है। इसमें उबाल अच्छी तरह से आने दीजिए। फिर इसमें डालना है एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब जो हमने ऑमलेट बनाया था वो डाल दी। ऑमलेट को एक एक करके आराम से डालिए इसमें, और इसे उबाल आने तक पकने दीजिए। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए धनिया पत्ता। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और खुद भी खाइए, बाकी सबको भी खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।